ये जो अभी आप यहाँ पे पार्क देख रहे हैं, ये वेरी नाग पार्क अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग कश्मीर में है। ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, ये इसका पानी जो कि जहलम दरिया का शुरुआत यहाँ से है। ये देखें एक मछली आपको दिखाते हैं, ये सामने ज़ूम करके ये देखें, बिल्कुल ये ट्रोट फिश है। यस, वेरीनाग गार्डन की हिस्ट्री। इससे पहले अबू फजल ने अपने इसमें बुक में मेंशन किया, उसके बाद जहांगीर ने इसको शुरुआत की, इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की, और शाहजहाँ के पीरियड में कंप्लीट हुआ। बिल्कुल पहाड़ी के दामन में है ये। मेन आउटलेट है यहाँ से, और वो सामने मेन सोर्स। जिस तरह से इंडस रिवर मानसरोवर लेक से निकलता है, वैसी रिवर जहलम जो कि वादी कश्मीर के बीचों बीच गुजरता है, वो भी यहीं से निकलता है। यही सोर्सेस हमारे जहलम रिवर का है। देखें ये कंस्ट्रक्शन जो आपको दिख रही है, ये मुगल पीरियड की कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि मैंने बताया आपको, इसे जहांगीर ने स्टार्ट किया था और कंप्लीट शाहजहां ने किया था। मुगल रूलर का ही कॉल था, अगर ज़मीने अगर बरोए ज़मीन अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, फारसी में शायर है। ये देखिए यहाँ पे एक कदीम मूर्ति पड़ी हुई है, जिसमें लग रहा है कि ये शायद शिविज्म से रिलेटेड हो। ये देखें मछलियाँ, जिनकी कहावत है वेरीनाग की मछलियाँ, जिन्हें देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते, क्योंकि पकड़ना यहाँ पे अलो नहीं है। काफ़ी गहरा है ये। जूम करके दिखाएंगे आपको थोड़ा, ये देखिए मछलियाँ। मछलियाँ खाने का तो मन कर रहा है लेकिन पकड़ना अलो नहीं है, थोड़ा आप देख के गुजारा कर लें। तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि इसमें कोई भी सीमेंट वर्क नहीं होता। ये देखिए जैसा आज हम प्लास्टर यूज़ करते हैं वैसा कोई नहीं होता है। और ये मटेरियल देखें आप, ये मटेरियल जो आपको दिख रहा है, ये देखें, ये ऐसा मटेरियल है जो वक़्त के साथ साथ और मज़बूत होता है। चूना पत्थर है, कुछ इसमें पल्सेस मिलाई जाती हैं, कुछ और मसाले मिलाए जाते हैं। देखें क्या कारीगरी है, देखें ये मटेरियल बहुत ही हार्ड मटेरियल है ये। देखें चूने पत्थर का थोड़ा सा निशान आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए क्या मिक्सचर है इसमें, आप देखें गौर से, देखें क्या मटेरियल डाला हुआ है। देखें देखें आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये पत्थर जो हैं ये तो घास लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ भी मटेरियल लगा हुआ है।
ये देखिए ये भी यहाँ पे बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल हार्ड है ये। बहुत ही खूबसूरत मनाजर है, सॉरी मंजर है। यहाँ पे देखिए टोटल कंस्ट्रक्शन जो है ये स्टोन की है, ये देख सकते हैं आप, टोटल कंस्ट्रक्शन स्टोन की। ऊपर कोई टीन नहीं, कोई प्लास्टर नहीं, कोई सीमेंट नहीं, कोई लेंटर नहीं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, जो सदियों से चली आ रही है, टस से मस नहीं है अभी तक इसे वो। और मुझे लगता है कि अभी भी कई सौ साल तक ये है, इसे कोई डैमेज नहीं होगा। ये देखिए क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या कारीगरी है। डिजाइन आप देख सकते हो कैसे संतराशे किए हैं। फारसी में कुछ यहाँ इबारत लिखी हुई है, बादशाह मीन्स किंग, बादशाह ये उनके बारे में है। और देखें ये भी कैसे नुक्तों को तराशा गया है, कैसे इनको लिखा गया है, ये फारसी इबारत है। और यहाँ अंदर शायद इनको बैठने के लिए ये इनने अपना स्टेशन बनाया हुआ है, बनाया हुआ था। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। ऊपर गुंबद सा है, यह है मेन एंट्री जहां से हम आए थे। तो ये रहा हमारा वेरी नाग कश्मीर का दौरा। आपको कैसा लगा या इसमें क्या कमी रही हमारे इसमें एक्सप्लेनेशन में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में, तो ये देखें साथ में यहाँ बिल्कुल पहाड़ी के दामन में हैं हम, काफ़ी घना जंगल है ऊपर। तो शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने का, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।